अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी ठीक हैं। तो जी, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और आज मैं बनाने लगी हूँ शामी कबाब, जो कि चने की दाल और चिकन से बनेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी है। मैं काफ़ी दफ़ा बना चुकी हूँ, सोचा आज आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। जिसके लिए एक पाव मैंने चने की दाल ले ली है, तो अच्छी तरह धो लिया है। और उसके बाद जी एक पाव से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने चिकन ले लिया है। आप हड्डियों वाला, हड्डियों के बगैर वाला ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो भी मैं धो लूँगी अच्छी तरह। एक पाव दाल और एक पाव चिकन से जो है ना, तकरीबन दो दर्जन शामी कबाब आराम से बन जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। आप एंड तक ये व्लॉग लाजमी देखिएगा। दाल जो है धुल चुकी है, उसके अंदर मैंने तकरीबन एक गिलास जितना जब पानी डाल दिया, और उसके अंदर जो धोया हुआ चिकन शामिल कर दूँगी। पानी आप लोगों ने इतना शामिल करना है कि जो चिकन और दाल है ना अच्छी तरह गल जाए। जिस सबसे पहले मसाले डालेंगे, तो सबसे पहले मैं डालूंगी नमक एक टीस्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर नमक शामिल कर सकते हैं, जितना आप नमक इस्तेमाल करते हो। उसके बाद काली मिर्च एक टीस्पून, मिर्ची आप स्पाइसी वो भी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, हम स्पाइसी खाना पसंद करते हैं जी। उसके बाद हम शामिल कर रहे हैं एक टीस्पून भर कर सूखा धनिया जो है ना कूटा हुआ। उसके बाद हल्दी हाफ टी स्पून इसके अंदर शामिल करूंगी, इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा कलर आ जाएगा। और जी इसके बाद शामिल करेंगे गरम मसाला एक टीस्पून भर कर, इससे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा जायका और खुशबू आती है इन कबाब के अंदर। कूटी हुई सुरख मिर्च शामिल करूंगी इसके अंदर दो टी स्पून भर कर, हम स्पाइसी ज़्यादा पसंद करते हैं, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और एक टी स्पून भर कर पिसी हुई सुरख मिर्च भी इसके अंदर शामिल कर दूँगी। और सब इंग्रेडिएंट्स और पानी दाल वगैरह को आप चम्मच की मदद से मिक्स कर लें, फ्लेम को ऑन कर दें और ढक्कन देकर इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकाएं। साथ साथ जी मैं अपने बच्चों फबी और खंसा के लिए नूडल्स बना रही हूँ। फबी अभी स्कूल से आई है और दाल का पानी भी उबलना शुरू हो चुका है, इस तरह झाग बनना शुरू हो जाएगी। आप चम्मच की मदद से झाग बाहर भी निकाल सकती हैं, और चाहें तो इसको मिक्स कर दें, क्योंकि अच्छी तरह धोई हुई है दाल और चिकन। फबिया अभी स्कूल से आई है तो उसको काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही है, तो फिर जल्दी में ये नूडल्स ही पड़े हुए हैं, अभी मैं इसको बना के दूंगी। उसके बाद फिर कोई जो है रोटी या जो भी फ्राइज़ वगैरह बोलेगी वो बना दूंगी। तो मैंने नूडल्स के पैकेट खोल लिए, ज़ाहिर है फबिया खाएगी तो खनसा तो लाजमी ही खाएगी। तो 15-20 मिनट के बाद हम देखेंगे कि दाल और चिकन किस तरह गले। तो इन 15-20 मिनट में जो मैं काम करूँगी वो आपको ये मैंने कपड़े भी प्रेस करके रख दिए। फबिया खाने के बाद फिर जो है ना कपड़े चेंज कर गया, अभी यूनिफॉर्म पहनी हुई है। साथ साथ मैं बना सा ये जो है ना छील लूँगी सबस्तोरियाँ, क्योंकि मैंने सबस्तोरियों का सालन बनाना है। और इनको छील के काट के फिर चलते हैं किचन में। ये देखें जी, पानी कुछ इस तरह खुश्क होना शुरू हो गया, चिकन भी गलना शुरू हो गया, दाल भी। इतना पानी तकरीबन एक गिलास भर के या डेढ़ गिलास काफ़ी है आपको। इस टाइम हम कर लेंगे तेज़, और सबस्तोरियाँ भी मैंने काट ली हैं, इसको सालन बना लूँगी। ये देखें जी कुछ इस तरह जो है ना, इसकी आप देख सकते हैं कि पानी खुश्क हो चुका है और दाल भी सही तरह गल चुकी है, और जो है ना गोश्त ने भी हड्डियों को छोड़ना शुरू कर दिया। इतना ही होना चाहिए, बिल्कुल ज़्यादा गल के दाल बिल्कुल जो क्या कहते हैं मिक्स भी नहीं हो जानी चाहिए, इस तरह खड़ी खड़ी होनी चाहिए। अब फ्लेम को बंद कर दूँगी और इसको रख दूँगी ठंडा होने के लिए। जब तक दाल और चिकन वगैरह होता है ठंडा, मैं आ गई हूँ रूम में, और खनसा इस टाइम देख रही है टीवी, लैपटॉप देख रही है, सॉरी टीवी नहीं। तो इसको जी आज मैंने देखा कि इसको लैपटॉप भी चलाना आ गया, देख देख के साथ मोबाइल तो चलाती थी, अब लैपटॉप भी खुद चलाना शुरू हो गए। आजकल के बच्चे काफ़ी ज़्यादा चलाक और ज़हीन हो गए। चलते हैं वापस किचन में जी। चिकन और दाल हो चुकी है ठंडी, मसाले सारे पहले ही डाले हुए हैं। आप चाहें तो चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं, हड्डियां मैंने सारी अलग कर दी हैं, और मैंने लिया है वो कूटने वाला जो होता है ना उससे कूटूंगी। ये है जी प्याज, सब्ज धनिया, पुदीना, सब्ज मिर्च, सबको बारीक काट के इसके अंदर डाल दिया। और डंडे से जो ना कूटने वाला डंडा होता है मोला, उससे मैं इसको बना लूंगी इस तरह का पेस्ट। और हाथों पर लगा लिया मैंने घी, आप चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं। इस तरह तो एक हाथों पर चिपकेंगी नहीं टिक्कियाँ, और दूसरा जो है ना कि जो मिर्च और मसाला वगैरह इसके अंदर है वो उसकी जलन नहीं होगी हाथों में।
ये भी एक टिप है कि अगर आप कोई भी इस तरह मिर्चों वाला कोई मसाला टिक्कियाँ रोल कबाब बना रहे हो तो हाथों पर पहले घी या ऑयल लगा लें, तो इससे ना आपके हाथों में जलन बिल्कुल भी नहीं होगी मिर्च मसाले की या सब्ज़ मिर्चों की। एक मैंने बना लिया इस तरह जी, सारी मैं बना लूँगी। एक पाव चिकन और एक पाव दाल से तकरीबन जो है ना 2 दर्जन 22-23 जो है ना आराम से 24 बन जाएंगे कबाब। इन कबाबों को जल्दी जल्दी बनाकर फिर मैं रख दूंगी फ्रिज में, क्योंकि शाम के टाइम इनको करना है फ्राई। अभी जो है ना असर का टाइम है, रात के खाने में हम इनको फ्राई कर लेंगे और साथ में कोई रायता वगैरह बना लेंगे। तो इन सबको बनाने के बाद मैं अब रख दूंगी फ्रिज में, और इसके बाद मैं बच्चों को लेके जाना है मैंने मार्केट, और उसके बाद पार्क वगैरह भी लेके जाना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फबी और खनसा कह रही थी कि हमने पार्क जाना है। तो इनको अब मैं फ्रिज में रख के हम जाएंगे। हम जा रहे हैं फंसा के साथ, कहाँ जा रहे हैं? और मार्केट। अब जी हम जा रहे हैं मार्केट, उसके बाद जाएंगे पार्क जो कि हमारे घर से थोड़ा सा दूर है, पैदल ही हम जा रहे हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और एंड तक वीडियो लाजमी देखिएगा। वीडियो को बीच में मत छोड़ के जाइएगा, क्योंकि इसके बाद मैंने कबाब को फ्राई भी करना है एंड में, तो ज़रूर देखिएगा। ये है जी रास्ता जहाँ से हम जाएंगे मार्केट, फिर जाएंगे पार्क। मार्केट हम पहुँच चुके हैं, ये शॉप है, और फबी और खनसा ने लेनी है चीज़, जो चीज़ उनको पसंद आएगी वो ले लेंगी ताकि पार्क में खाएं और मुझे तंग ना करें। इन दोनों ने ले लिया अपनी पसंद की चीज़। अब चीज़ लेके हम चले जाएंगे जी, रास्ते में ना छोटा सा एक मिनी जू भी आता है, वहाँ चले जाएंगे। वहाँ पर जो हिरन वगैरह और शितर मुर्गे, वहाँ पर 2 मिनट के लिए रुकेंगे जी। हम पहुँच चुके हैं, ये देखें इस तरह मिनी सा जू बना हुआ है। हिरन है यहाँ पर, खरगोश हैं, बदखे हैं, और शितर मुर्ग का एक जोड़ा है। यहाँ पर हम ज़्यादा देर के रुके नहीं हैं, बस ऐसे चलते चलते देखते जा रहे हैं कि पार्क जो है इससे भी आगे है, और हमें फिर वापस घर भी जाना है। तो अभी मगरबी तकरीबन होने का टाइम जो है ना वो शुरू हो चुका है, असर टाइम हम घर से निकलें और मगरब जो है ना वो हो जाएगी लगता है वापस जाते जाते। और इस टाइम जी ये देखें, ये परिंदे भी अंदर हैं। दूसरी साइड पर शितर मुर्ग खड़े हैं, वहाँ पर मैं वीडियो बनाने के लिए जा रही हूँ। ये मोर एक नज़र आ रहा है, और मुझे देखते ही ना शितर मुर्ग फिर और दूसरी साइड चला गया। इस टाइम जी हम पहुंच चुके हैं बड़े पार्क में, जो हमारे टाउन का सबसे बड़ा पार्क है। मेरी बेटियां यहां आने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइट होती हैं हमेशा, क्योंकि बहुत कम वक्त में हम इनको लेके आते, कभी संडे को कभी सैटरडे को, हर रोज़ नहीं लेके आ सकते। तो इस टाइम जी हम पहुंच चुके हैं, फबिया खनसा भाग के जा रही हैं झूलों पर। और ये देखें असर से मगरब का टाइम जो है वो शुरू हो चुका है, थोड़ी देर यहाँ पर खेलेंगे और फिर मगरब के बाद हम घर चले जाएँगे। फिर जाकर मैंने कबाब भी फ्राई करने हैं, आप लोगों के साथ वो शेयर भी करने हैं। ये हैं जी स्लाइड्स वगैरह फबी और खनसा यहाँ पर।
तकरीबन 1 घंटा हम यहाँ पर रुके और अभी हम घर वापस जा रहे थे। खनसा हमें मिल नहीं रही थी, दरअसल हम थोड़ा साइड पर होकर बैठे थे तो खनसा हमें ढूंढ रही थी, इसे हम नजर नहीं आई। ये काफी ज्यादा रो रही है। यहाँ पर जो है ना, वो अंकल ने इसे उठाया हुआ था कि ये आपकी बेटी है, कब से रो रही है। और ये कह रही, मुझे कह रही है कि मम्मा मैं गुम हो रही थी, मैं आपको कब से ढूंढ रही। तो ये काफी ज्यादा रोना शुरू हो गई है। अब इसको चुप करवाती हूँ, फिर हम जाएंगे घर वापस। पैदल चल के जाना है, तकरीबन 15 मिनट तो लग ही जाएंगे। फिर आप लोगों से घर जाकर मिलती हूँ और फिर वहां पर बनाते हैं हम कबाब। ये जी, घर हम पहुंच चुके हैं। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया और अब मैंने जो है ना, कबाब बनाने के लिए पैन में तेल जो है ना वो डाल दिया। उसके बाद एक अंडे को भी अच्छी तरह फेंट लिया और फ्रिज से कबाब भी निकाल लिए। कबाब को इस तरह अंडे में कर लूंगी अच्छी तरह डिप। दोनों तरफ से कोटिंग करने के बाद इसको डाल देंगे हम फ्राई पैन के अंदर। तेल काफ़ी ज़्यादा नहीं डालना, बस बिल्कुल। आप घी भी शामिल कर सकते हैं, इसमें थोड़ा होकर इस तरह अच्छी तरह एक साइड जो है ना वो आराम से फ्राई हो जाए। बिल्कुल अंदर तेल के अंदर टिप नहीं कर देना। तो इनको अच्छी तरह हम एक साइड से पकाने के बाद दूसरी साइड को पलटेंगे ताकि अच्छी तरह पक जाए। तकरीबन 1 मिनट के लिए एक साइड को पकाना है। बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। मेरे कहने पर एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखें, आपके घर वाले आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ करेंगे इस तरीके से बनाए। और ये देखें, गोल्डन ब्राउन से बन चुके हैं, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बने हैं। सारे घर वालों ने बहुत ज़्यादा तारीफ की, इसके ऊपर रायता बनाया और इस तरह खाया, बहुत मज़ेदार बने। इधर ही मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों का अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।